गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास ट्वेल्थ का जो राइटिंग पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। राइटिंग पार्ट में अभी हाल ही में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आपका टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग। ओके, रिपोर्ट राइटिंग में भी बच्चों में आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले आपने जो भी एग्जांपल्स देखे हैं वो इस प्रकार के एग्जांपल्स को अभी तक हमने सीखा जिनमें एक फॉर्मेट हो सकता था, जिनमें कोई कार्यक्रम किसी स्तर पे ऑर्गेनाइज या सेलिब्रेट किया जा रहा था, उनको देखा था। अब हम कुछ ऐसी रिपोर्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स को लिखने का अभ्यास कर रहे हैं जिनका कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है। जैसे कि हमने कल एक टॉपिक लिया था, अ बैंक रॉबरी, जिस पर हमने एक रिपोर्ट लिखी थी। उम्मीद है कि वो रिपोर्ट आपको समझ में आई होगी। अगर उससे मिलती जुलती उसके सिमिलर कोई भी रिपोर्ट आएगी तो निसंदेह आप लिख पाएंगे। हमारे अभ्यास करने का तात्पर्य जो है, आपके अंदर सेंटेंस को बनाने की जो एक क्षमता, जो कैपेसिटी है, उसको डेवलप करना है। आप ये भी केवल ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रिपोर्ट को केवल पढ़ लेते हैं, उसको याद करने का प्रयास करते हैं या उसको वैसा का वैसा लिखने का प्रयास करते हैं। आपका एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी सेंटेंस बनाया गया है वो सेंटेंस किस प्रकार से बनाया गया। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप उसको समझें कि सेंटेंस इस यूज से भी बन सकता है, तो आप उस यूज से कई प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने का प्रयास करें। हमने देखा है कि हम जब भी रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो उसमें आपका पैसिव वॉइस जो है उसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 11th क्लास में आपका अभी टॉपिक जो है मैंने पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे जो है, अगर पैसिव वॉइस आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप यूट्यूब चैनल से क्लास 11th का जो पैसिव वॉइस का टॉपिक अभी चल रहा है वहाँ से उस टॉपिक को आप लर्न कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। हम आज पुनः एक एग्जांपल आपके सामने लिखेंगे, ठीक है। पहले आप उसका क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं या इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एज यू आर राम या सीता, the reporter of Hindustan Times write a report in about hundred words on a campaign organized by an NGO against child labor, ठीक है ना। एक बहुत ही बड़ा सोशल इश्यू है, एक सामाजिक मुद्दा है हमारे समाज में, चाइल्ड लेबर का, बाल श्रम का। और ये चाइल्ड लेबर ही ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस रिपोर्ट को महत्वपूर्ण बना देता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को एक बार से। एज यू आर राम,
और सीता आपका नाम ये है। द रिपोर्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स के आप रिपोर्टर हैं। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स यानी लगभग 100 शब्दों में एक रिपोर्ट आपको लिखनी है ऑन अ कैंपेन। कैंपेन एक अभियान होता है ऑर्गेनाइज बाई एन NGO, एक अभियान जो कि NGO किसी NGO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है, किसके विरुद्ध है? चाइल्ड लेबर के विरुद्ध। तो आपका टाइटल ये हो सकता है अ कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के विरुद्ध एक अभियान। ठीक है, इस पर आपको 100 वर्ड्स में एक रिपोर्ट को तैयार करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम इसकी जो रिपोर्ट है किस प्रकार से लिखी जाएगी हम उसको देखते हैं। तो देखें बच्चों, सबसे पहले हमारा जो टाइटल है हम उसको लिखेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था हमारा टाइटल है ए कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और कैंपेन यानी एक अभियान, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, किसके विरुद्ध है? चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के विरुद्ध एक अभियान। स्पष्ट है, यहां पे लिख देंगे आप बाय राम, नकल्स के लिए सीता, द रिपोर्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है वो भी हो गया। अब यहां पे हम क्या कर देंगे बच्चों, शहर लिख देंगे। जैसे हम यहां लिख देते हैं जयपुर, यहां कॉमा लगाएंगे, आप डेट लिख देंगे, ओके इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पष्ट रूप से आपको यह आता है, आपके क्वेश्चन से लिया, अभी क्वेश्चन से लिया, ये स्थान लिख दिया और ये आपने डेट लिख दिया। यहां से लिखना शुरू करेंगे आपके यस्टरडे, अधिकांशतः केसेस में आप यस्टरडे से शुरू करेंगे क्योंकि आपकी जो घटना है वो घटित हो गई है बीते हुए कल। ठीक है ना, यस्टरडे कैंपेन यानी एक अभियान, कौन सा इवेंट नेम अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वॉज ऑर्गेनाइज्ड अरेंज्ड या कंडक्टेड यस्टरडे अ कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के विरुद्ध एक अभियान वॉज ऑर्गेनाइज यानी आयोजित किया गया था बाय एन NGO ऑफ द सिटी यानी शहर के एक NGO के द्वारा, समझ रहे हो, शहर के एक NGO के द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध एक अभियान जो था वो कल आयोजित किया गया। आप लिख सकते हैं बच्चों, सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे आप, द कैंपेन वॉज अभियान जो था वॉज हाईली सक्सेसफुल।
अभियान जो था वो अत्यधिक सफल रहा था। बिकॉज क्योंकि दी बिकॉज दी मेंबर्स ऑफ एनजीओ कार्यक्रम अत्यधिक सफल रहा था, और सफल रहने का कारण था कि मेंबर्स ऑफ एनजीओ एनजीओ के जो सदस्य थे वो केम ऑन रोड्स, केम यानी वो आए थे, ऑन रोड्स यानी सड़कों पे, ठीक है, केम ऑन रोड्स यानी वो सड़कों पर आए थे। किसके लिए आए थे? टू पिकआउट यानी पिक निकाल लेना, पिकआउट बाहर निकालने के लिए, पिकआउट दी चिल्ड्रन, किसको? बच्चों को पिकआउट करने के लिए, पिकआउट दी चिल्ड्रन कहां से? फ्रॉम देयर वर्किंग प्लेसेस एज, मतलब फ्रॉम देयर वर्किंग प्लेसेज यानी बच्चे जहां जहां काम कर रहे थे उनके काम करने वाले स्थानों से जो एनजीओ के सदस्य थे उन्हें बाहर निकालने के लिए सड़कों पर आए थे। वर्किंग प्लेसेस एज जैसे कि एज टी स्टॉल्स, होटल्स, शॉप्स, फैक्ट्रीज, एंड रेस्टोरेंट्स यूटीसी, ठीक है, समझ रहे हो? सेंटेंस को एक बार समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, बहुत आसान है। देखें, द कैंपेन यानी जो अभियान था वॉज हाईली सक्सेसफुल यानी अत्यधिक सफल रहा था, बिकॉज दी मेंबर्स ऑफ एनजीओ क्योंकि एनजीओ के जो सदस्य थे वो केम ऑन रोड्स यानी सड़कों पे आ गए थे, टू पिक आउट दी चिल्ड्रन यानी पिक आउट यानी बाहर निकालने के लिए बच्चों को, फ्रॉम देयर वर्किंग प्लेसेस यानी उनके काम करने वाले स्थानों से। अब काम करने वाले स्थान जैसे कि आपका टी स्टॉल पे काम कर रहे थे बच्चे, कुछ होटल्स में काम कर रहे थे, कहीं शॉप्स पे काम कर रहे थे, फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, या फिर रेस्टोरेंट्स पे काम कर रहे थे, तो वहां से उन्होंने बच्चों को बाहर निकाला। आप कह सकते हैं बी मेंबर्स ऑफ एनजीओ The members of NGO arranged यानी आयोजित करना, उन्होंने अरेंज किया था a guidance program ठीक है ना, for the For the तो हो गया the members of NGO arranged a guidance program for the parents, okay? एक मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन जो था NGO के सदस्यों ने उन बच्चों के माता पिता के लिए किया। This इनेबल यानी समर्थ बनाना, दिस इनेबल्ड देम, दिस यानी इस कार्यक्रम ने इनेबल्ड यानी समर्थ बनाया था देम यानी उन पेरेंट्स को, टू अंडरस्टैंड दी
इम्पोर्टेंस ऑफ importance of education in life के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व होता है, उस महत्व के बारे में इस जो गाइडेंस प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम ने माता पिता को समझने में समर्थ बनाया। The members of NGO shared to the parents उन्होंने माता पिता से कहा था that they they should यानी एडवाइस के लिए they should send their children to school। उन्होंने मीटिंग का आयोजन किया, समझ रहे हो? द मेंबर्स ऑफ एनजीओ अरेंज्ड अ गाइडेंस प्रोग्राम, एक मीटिंग, एक बैठक, एक कार्यक्रम आयोजित किया गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए माता पिता के लिए। दिस इनेबल देम टू अंडरस्टैंड, यानी इस कार्यक्रम ने माता पिता को ये समझने में समर्थ बनाया। क्या समझने में? इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, के जीवन में शिक्षा का महत्व क्या होता है, उस गाइडेंस प्रोग्राम में बताया गया। द मेंबर्स ऑफ एनजीओ सेड टू द पेरेंट्स, माता पिताओं से उन्होंने कहा या उन्होंने इस बात पर जोर दिया That they should send their children, के उन सभी लोगों को should send यानी भेजना चाहिए their children यानी अपने बच्चों को to school यानी विद्यालय में। इसके अलावा the NGO, promised for the financial help, ठीक है, टाइम टू टाइम, मतलब एनजीओ ने उन माता पिताओं को समय समय पर आर्थिक मदद का आश्वासन दिया। इसके अलावा ए वार्निंग ऑफ लीगल एक्शन, लेकिन एक कानूनी एक्शन या कदम उठाने की एक वार्निंग, चेतावनी, वॉच गिवन, कानूनी कार्यवाही करने की एक चेतावनी वॉच गिवन यानी दी गई थी टू दी एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स यानी उन नियोक्ताओं को हु इंगेज यानी जो इंगेज करते हैं, काम पे रखते हैं, इंगेज दी चिल्ड्रन एज एज लेबर यानी श्रमिक के रूप में, जो भी नियोक्ता जो है बच्चों को अपने यहाँ एक श्रमिक के रूप में लगा के रखते हैं, ऐसे सभी नियोक्ताओं को कानूनी कार्यवाही करने की एक चेतावनी जो थी वो एनजीओ के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना?
आप लास्ट में ये भी कह सकते हो दी कैंपेन वॉज वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, ये आपका एक रिपोर्ट जो है कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर पे आपका तैयार हो गया। एक बार देख लेते हैं, स्टडी कैंपेन यानी एक अभियान अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बाल श्रम के विरुद्ध एक अभियान वॉज ऑर्गेनाइज्ड यानी आयोजित किया गया था बाय एन एनजीओ ऑफ द सिटी। द कैंपेन वॉज हाईली सक्सेसफुल, अत्यधिक सफल रहा, और सफल रहने का कारण था बिकॉज द मेंबर्स ऑफ एनजीओ, एनजीओ के जो भी सदस्य थे केम ऑन रोड्स यानी वो सड़कों पे आए थे टू पिक आउट, उन्होंने पिक आउट किया था, बाहर निकाला था बच्चों को फ्रॉम देयर वर्किंग प्लेस, उनके काम करने वाले स्थानों से जैसे कि टी स्टॉल हैं, होटल हैं, शॉप्स हैं, फैक्ट्रीज और रेस्टोरेंट्स हैं। द मेंबर्स ऑफ एनजीओ अरेंज द गाइडेंस प्रोग्राम फॉर द पेरेंट्स, माता पिता के लिए उन्होंने एक गाइडेंस प्रोग्राम भी आयोजित किया। दिस इनेबल देम टू अंडरस्टैंड, और इस कार्यक्रम ने उन माता पिताओं को ये समझाया कि शिक्षा का महत्व जीवन में क्या होता है। द मेंबर्स ऑफ एनजीओ सेड टू द पेरेंट्स, उन्होंने माता पिता से कहा या एडवाइस दी, ये भी कह सकते हैं, द मेंबर्स ऑफ एनजीओ एडवाइस टू द पेरेंट्स दैट दे शुड सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, कि उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय भेजना चाहिए। द एनजीओ प्रोमिस्ड फॉर द फाइनेंशियल हेल्प टाइम टू टाइम, और समय समय पर ऐसे बच्चों के लिए, उनके माता पिताओं के लिए, उनके परिवार के लिए समय समय पर आर्थिक मदद का आश्वासन भी दिया था। अ वार्निंग ऑफ लीगल एक्शन वॉज गिवन, कानूनी कार्रवाई की एक वार्निंग, एक चेतावनी जो थी दी गई थी टू दी एम्प्लॉयर्स यानी उन नियोक्ताओं को, वी इंगेज द चिल्ड्रन एज लेबर, जो श्रमिक के रूप में बच्चों को रखते हैं। और द कैंपेन वॉज वेरी सक्सेसफुल, और अभियान जो था वो अत्यधिक सफल रहा। ठीक है ना, ये आपकी एक रिपोर्ट हो गई है कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर पे। आगे हम कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे, तब तक आप ये प्रयास करते रहें कि और भी कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस जो है आप अपने घर पे करते रहें। पिछले जो भी टॉपिक्स रहे हैं आप उनको भी एडवाइस है मेरा, आप उनको भी आप पढ़ते रहें, नहीं तो आप इनको पढ़ते रहेंगे पीछे के टॉपिक्स भूल जाएंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में हम जल्दी आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।